अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक, अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की इस एपिसोड में क्विकली मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है रिगार्डिंग उमरा एंड हज 2022। और जैसे कि रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है तो उसके हवाले से कुछ जो तैयारियाँ की गई हैं और कुछ नई अपडेट्स हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैं सोचा कि मैं वीडियो बना के आपको इस वीडियो में उसका रिप्लाई मैं ज़रूर कर दूँ ताकि सब लोग उससे आगाह हो जाएं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज 85% लोग जो हैं वो चैनल सब्सक्राइब किए बगैर छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो मोटिवेशन है वो नहीं होती दोबारा वीडियो बनाने की। तो रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं ज़रा तैयारियों के हवाले से रमज़ानुल मुबारक की। तो वो जो हिजरे अस्वद की जो मेंटेनेंस का काम था और जो मकाम इब्राहिम की जो मेंटेनेंस का काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ दिनों में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, जो उसकी मेंटेनेंस करनी थी तो वो कंप्लीट हो गई है। बट कुछ लोग क्वेश्चन ये कर रहे थे कि क्या करंतीना की जो कंडीशन है वो ख़त्म हो गई है। जी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, ठीक है। कुछ ये भी क्वेश्चन था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग थी हरम पाक में वो ख़त्म हो गई है, तो उसकी आज वीडियोस भी शेयर की गई हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। एक जो बहुत ही क्रिटिकल जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये कि कितनी एज के बच्चे जो हैं वो अब उम्रा अदा करने जा सकते हैं। तो सऊदी हुकूमत ने जो ऐलान किया हुआ है उसके मुताबिक, जो आज की लेटेस्ट अपडेट है आज के मुताबिक, वो ये कि 5 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के बच्चे जो हैं वो उम्रा अदा करने मस्जिदुल हराम जा सकते हैं। तो उससे कम उम्र के बच्चे चाहे एक दिन भी कम हो तो वो नहीं जा सकेंगे, और उनका तवक्कलना ऐप पर जो स्टेटस है वो इम्यून होना चाहिए, मींस कि उनको वैक्सीन या बूस्टर शॉट लगी हुई होनी चाहिए। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो 5 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन भी लग रही है और बूस्टर शॉट भी लग रही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इंडिया और पाकिस्तान में, कि हमारे यहाँ पर 12 साल से कम उम्र के बच्चों की कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है, वैक्सीन मौजूद नहीं है या उनको अभी वैक्सीनेशन करनी स्टार्ट नहीं की गई है, तो ये लोग फिर क्या करेंगे। तो इस प्रॉब्लम का एक अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने तो कोई सलूशन नहीं निकाला है, और ना ही उन्होंने कोई और बात बताई है कि अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे या तो लोग लेके जा नहीं सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो लोग किसी तरह चले भी जाते हैं तो क्योंकि वैक्सीन नहीं लगी हुई होगी बच्चों को, तो फिर उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम एज इट इज़ अभी खड़ी हुई है, इसका सोल्यूशन भी सऊदी गवर्नमेंट को निकालना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें उम्रा अदा करने के लिए। फिर एक और क्वेश्चन था, मैं उसका क्विकली आंसर दे दूं कि कितने लोग उम्रा और कर सकेंगे और कितने दिन का वीज़ा जो मिलेगा, क्योंकि अब लोग बहुत रैपिडली बहुत तेज़ी के साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने उम्रा अदा करना है रमज़ान मुबारक में वो जल्द से जल्द उम्रा के लिए अप्लाई कर दें एतमन्ना ऐप पर, और वहाँ पर जो स्टेटस है उसको आप देख लें, यूज़ करना भी सीख लें, क्योंकि रेड स्टेटस भी आ रहा है और ग्रीन स्टेटस भी आ रहा है। रेड स्टेटस आएगा तो इसका मतलब है कि रश बहुत ज़्यादा है, ग्रीन स्टेटस आएगा तो रश थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने अब जो वीज़ा की जो टाइम फ्रेम है ना वो कम करना स्टार्ट कर दिया है, कि शायद अब सिर्फ 14 या 15 दिन का जो है वो वीज़ा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि जितने लोग जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर सकें वो कर दें, तो उसके लिए फिर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और एतमन्ना ऐप को यूज़ करना सीख लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो बातें मैंने आपसे करनी थी कुछ क्वेश्चंस थे उनका आंसर करना था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।